स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ देखिए, गिवन ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50। फाइन एस एन एन एंड एस एन, मतलब आपको दो चीज फाइंड आउट करनी, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और फिर उसका सम फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म का सम फाइंड आउट करना। अब a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, an 50 है। अब देखिए an इज इक्वल टू 50, यहां से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं, n निकाल लेते हैं। तो an की जगह क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू पुट कर दे, a की जगह 5 प्लस एन माइनस वन और d की जगह 3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 5 को उधर ले जाओ, n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 50 और माइनस कितना हो जाएगा 5। n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 45। n माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई 45 अपॉन 3, 15 हो गया। यानी कि n माइनस वन इज इक्वल टू 15 और n की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 1, n की वैल्यू 16। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, n क्या होगा ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब आपको एसएन निकालना है, एसएन का मतलब सम निकालना है, एसएन एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाओ या एसएन का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इन दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास ए एन गिवन था तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, या एल भी ले सकते हैं, एल का मतलब लास्ट टर्म, एल और ए एन सेम मीनिंग है यहां से। एस नंबर ऑफ टर्म 16 आ गई, एन क्या होगा 16 बाई 2, ए की जगह क्या रखते हैं यहां पर 5 प्लस ए एन की जगह क्या रखते हैं 50। सॉल्व कर दो, 2 से कितना हो गया 8 और 8 इंटू ये क्या हो गया आपका 55। 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 को 8 से 85 जो 40, 85 जा 40 और 4 प्लस कर देंगे 400 कितना आ गया 40। ये आपके पास क्या आ गया एस 16। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, गिवन ए इज इक्वल टू क्या है 7, ए 13, 35, फाइंड डी एंड एस 30। इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना एक तो, और एक 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना, बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा पार्ट वन की तरह से। देखिए यहां पर ए 13 आपको क्या दे रखा है 35। ए एन जनरल टर्म का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी। अब यहां पर ए 13 है तो ए यहां पर इस यहां तो ए रखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन, एन कितना यहां पर 13, तो 13 माइनस वन कितना हो गया 12, ए प्लस 12 डी किसके बराबर हो गया 35। अब यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दे, ए की जगह क्या पुट कर दे 7 पुट कर दे यहां पर, तो आपके पास दिया जाएगा 7 प्लस 12 डी इजल टू क्या हो गया 35। 12 डी इजल टू 35 माइनस 7, 12 डी इजल टू 35 में से 7 लेस कर दो 5, यहां पर 35 में 7 लेस करेंगे कितना बच गया यहां से देखो 5 या 7, 15 में 7 क्या बच गया 8, यानी 28 बच गया। और डी की वैल्यू क्या आ गई 28 अपॉन 12, 4 से कैंसिल कर दो 3 और यहां 7, डी की वैल्यू आपके पास 7/3, यानी कि कॉमन डिफरेंस 7/3 आ गया। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, कितने टर्म का 13 टर्म का सम निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस में एल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहां पर लास्ट टर्म एल एल यानी कि आपको कितना दे रखा है यहां पर, ये लास्ट टर्म 30 यानी कि एल, एल की वैल्यू आपको क्या दे रखा है 35, ए 30, या इसको ऐसे लिखे ए 13 इसके इक्वल है 35, वैल्यू पुट करें यहां पर एस एन, एन आपके पास कितना है यहां पर 13 है, 13 रख दो 13/2, ए के जगह कितना रख दें 7 और लास्ट टर्म के जगह कितना रख दें 35 पुट कर दे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 13/2 और इंटू 42, 2 से कैंसिल कर देंगे 21, और 21 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 13 से, 3 या 6 ये 21, 3 ये 6, 17, 273। एस 13 की वैल्यू क्या आ गई 270। अब इसका पार्ट 4 देखिए आप, ए 3 की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पर 50,
और एस टेन क्या दे रखा है 125। तो यहां से ए थ्री जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें, ए प्लस में 2d इक्वल टू कितना हो गया 50। न तो आपके पास ए है न आपके पास डी है। तो अब यहां से या तो अब देखिए पहले सबसे पहले यहां से ये निकाल लें एस टेन, इसको भी ए और डी में कन्वर्ट कर लें। एस टेन क्या दे रखा है 125, या एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करें एस एन का, एस एन किसके इक्वल होता है एन बाई टू इंटू कितना हो जाएगा 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू एस एन लगाते हैं, n की जगह यहां पर कितना है 10, तो यहां पर लिखते हैं 10 वाई कितना हो गया 2 हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन टेन माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल हो गया 125 के। दो से ही कैंसिल कर दें 5, या तो 5 हो गया, ये हो गया 2a प्लस 90 हो गया इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 125, और 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 2a प्लस 90 इक्वल टू 125 अपॉन 5 से कैंसिल कर दो, 5 टू जा 10, 5 जा 25, यानी कि 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या आ गया 25। अब ये इक्वेशन आपके पास 1 और ये इक्वेशन 2, दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a एंड d। अब इसको किसी मेथड से दोनों को सिंप्लीफाई करके a और d निकाल सकते हैं, या तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 15 माइनस कितना हो जाएगा 2d। अब a की वैल्यू हमने यहां से एलिमिनेट कर ली, अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो दिस इंप्लाई दैट 2a, a की जगह क्या पुट कर दें आप 15 माइनस 2d और प्लस 90 इक्वल टू क्या आ गया 25। अब दो से यहां से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 30 और माइनस कितना हो गया 4d और प्लस का 90 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 25 के इक्वल आ गया। अब लाइट टर्म को सॉल्व करें, यहां से प्लस का 30 है इसको इधर ले जाओ, ये माइनस 4d और प्लस का 90 इन दोनों को यहां रख दो, 4d माइनस का प्लस का 90 और 25 और 30 को इधर ले जाते हैं और इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म है तो 9 में से 4 लेस किया कितना बच गया 5, किसका बच गया प्लस का। अब ये माइनस का 30 और प्लस का 25 कितना बच गया माइनस 5 और d की वैल्यू क्या हो गई माइनस 5 अपॉन 5 कैंसिल हो गया 1, यानी कि d की वैल्यू माइनस 1 है। जब d की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो अब a निकाल लो, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस किसके इक्वल है 2d के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस 2 और d की जगह क्या रख दें यहां पर माइनस 1 पुट कर दें। अब अपने पास क्या आ गया 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि अपने पास a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी यहां से, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d की जगह हमने क्या रख दिया माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 70। a और d निकाल लिया आपने, अब आपको a tan फाइंड आउट करना है, a tan किसके इक्वल होगा a प्लस 90 के इक्वल होगा, अब वैल्यू पुट कर दे a tan a की जगह क्या रखे आप 70 प्लस 90 d की जगह माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 70 माइनस कितना हो गया 9, 17 में से 9 लेस कर दे कितना बच गया 8, तो a tan की वैल्यू आपके पास 8 है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये अब इसका पार्ट 6 सिंप्लीफाई करते हैं हम, पार्ट 6 देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, ये हमें गिवन है a 2 और d की वैल्यू 5 और s n की वैल्यू 19। अब हमें a दे रखा है, d भी दे रखा है, s n भी दे रखा है, अब हम s n का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले n फाइंड आउट करते हैं। s n इज इक्वल टू 90, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहां एन बाई टू इंटू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी इसकी इक्वल रख दे 90 की इक्वल रख देते हैं, एन की जगह ये तो हम फाइंड आउट करते हैं एन बाई टू टू ए की जगह कितना रख दे 2 रख दे प्लस एन माइनस वन इसकी जगह 8 रख देते हैं इक्वल टू 90 की इक्वल हो गया। अब ये हो गया आपका एन बाई टू, यहां से हो गया 4 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें, एट एन माइनस का 8 इक्वल टू 90 एन बाई टू, अब देखो प्लस का 4 माइनस का 8 तो माइनस का 4 बच गया प्लस का 8 एन
आर इज इक्वल टू 90। अब या तो दो को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ आप, यानी कि n इंटू माइनस फोर प्लस का 8n इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई चला गया। अब n को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस फोर एन प्लस क्या होगा 8n स्क्वायर हो जाएगा और 180 इधर आकर के माइनस हो गया, इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, पहले 8n स्क्वायर लिख दो माइनस का 4n और माइनस का 180 इक्वल टू क्या बन गया जीरो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि चार से डिवाइड हो रहा है, चार से तीनों टर्म डिवाइड हो रही है। अब फोर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई फोर, बोथ साइड बाई फोर, फोर से डिवाइड करेंगे 2n स्क्वायर आ गया, यहां से माइनस का n और यहां से माइनस का 45 इक्वल टू जीरो। अब आप इसको किसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मान लो इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू माइनस 45 यानी कि माइनस 90। अब इसके फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 90 आना चाहिए और ऐड करें तो कितना माइनस का 1 आना चाहिए, तो माइनस का 10 ले लो प्लस का 9 ऐड करेंगे तो माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया माइनस 90, तो ये बन गया 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू जीरो। अब इसमें 2n पहले कॉमन निकाल लो, यहां से n माइनस क्या हो गया 5 प्लस 9 कॉमन निकाल लो, n माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब अपने पास ये आ गया n माइनस 5 इंटू यहां पर कितना बच गया इसका कोफिशियंट 2n और यहां पर प्लस का 9 इक्वल टू जीरो। ये आपके पास दो फैक्टर बन गए। इस मीन्स आइदर n माइनस 5 इक्वल टू जीरो और दूसरा आ जाएगा 2n प्लस 5 और 2n प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहां से n की वैल्यू मीन 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया n माइनस 5 इक्वल टू जीरो और 2n प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो n की वैल्यू यहां पर 5 आ गई और यहां 2n इक्वल टू माइनस 9, n की वैल्यू माइनस 9 बाई 2 और n की वैल्यू 5, ये दो आ गए आपके पास। अब आप ये देखेंगे टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, टर्म इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, तो n नॉट इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 लेंगे यहां पर, n की वैल्यू 5 आ गई, नंबर ऑफ टर्म 5 आ गई। अब आप क्या निकालें, आप निकालना है आपको an, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an, n की जगह 5 रख दे a 5 कितना हो जाएगा a, a की जगह क्या रख दे 2 रख दे प्लस n, n की जगह 5 माइनस 1 और d की जगह आप क्या पुट कर दे 8 रख देंगे, तो 2 प्लस कितना बच गया 4 इंटू 8, 2 प्लस क्या हो गया 32 आ गया, यानी कि ये हो गया आपका 34। ए 5 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 34 आ गई। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट जो 10th है वो देखिए क्या है। गिवन एल इज इक्वल टू 28, एल का मतलब लास्ट टर्म, एस 144, एन इज इक्वल टू 9, इसका मतलब ये आपका 9 टर्म का सम है 144 और ए एन लास्ट टर्म 28 है, ए निकालना है, तो ए कैसे निकालेंगे, अब ये वाला फॉर्म लगा सकते हो एस एन का एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एस एन आपको क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है 144 गिवन है हमें, ये गिवन है। अब देखिए एस एन की जगह तो क्या रखते यहां पर 140, एस एन की जगह एन बाई टू इंटू ए प्लस एन इजल टू 144। अब एन एन की जगह 9 रख दे गया, 9 बाई टू हो गया। ए आप देखिए यहां में फाइंड आउट कर रहे हैं ए एल लास्ट टर्म कितना यहां पर 28 इजल टू 140। अब वेरिएबल आपके पास क्या बच गया, केवल ए बचा है यहां पर, तो आपको ए निकालना है, तो ए प्लस में कितना हो गया 28 इजल टू 144, ये 9 डिवाइड में आ गया और इंटू में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है, 9 से कैंसिल कर दो, 9 वन जा 9, अब यहां पर कितना बच गया 5, 9 6 जा, यानी 69 से कितना होता है 144, ए प्लस 28 इजल टू क्या आ गया 32 आ गया। अब आपको तो ए निकालना था, ए इजल टू 32 माइनस 28,
ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। थैंक यू, हैव अ ए प्लस 28 कितना है अपने पास 32 और ए इक्वल टू 32 माइनस कितना आ गया 28। अब 32 में से 28 लेस करेंगे 12 में से 8 गया 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। थैंक यू।